गीता के पेज नंबर 115 में मैं पहुंच चुका हूं, 115 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों को बस में रखा करो अर्जुन, ये इंद्रियां, पांच इंद्रियां सांप के बराबर है, विषैले सांप हैं, आँख कान नाक त्वचा जीव, इन पांच इंद्रियों को जो बस में रख लेता है उसका कल्याण हो जाता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, ध्यायतो विश्यानुपशम संज्ञा पुषा पजायते संघायते कामा कामा क्रोध विजायते। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो जब मनुष्य इंद्रियों को बस में करना चाहता है तो आसक्ति आलस्य पैदा हो जाता है, उसे लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, और जब काम आलस्य उत्पन्न होता है तो आलस्य से काम उत्पन्न होता है, यानी उसे अच्छा नहीं करना लगता है, और काम से फिर क्रोध आदमी को आता है, गुस्सा आता है। जो मनुष्य कृष्णा भावना भावित होते हैं नहीं है, उसे इंद्रिय विषयों का चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता है, इंद्रियों को अपने इच्छाओं को बस में नहीं रखना चाहता है, इंद्रियों को बस में नहीं रखना चाहता है, इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वो भगवान की दिव्य प्रेमी में नहीं लगे रहेंगे तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो दुनिया के जो और भी काम है, भौतिकवाद काम है, उसमें लगे रहेंगे, और इस तरह से वो भौतिक कामों में फंस जाते हैं लोग और भगवान की शरण पे नहीं जा पाते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवान की शरण में आओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।